हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको डेथ नोट सीजन 2 के मांगा के चारों चैप्टर बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ईयर 2013 चल रहा होता है और एक शिनिगामी रियोक से पूछता है कि तुमने बहुत तरक्की करी है ह्यूमन वर्ल्ड में, क्या तुम्हें ये डेथ नोट चाहिए? तो रियोक कहता है हाँ, पर उसके बदले में क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ और भी है? तो वो उसे एक एप्पल भी देता है और फिर रियुक को कुछ याद आता है और वो वहाँ से चले जाता है। तो रियुक को वो एप्पल बहुत अच्छा लगता है और अब वो इस डेथ नोट का यूज़ करेगा और एप्पल खाने के लिए। जैसे फर्स्ट टाइम पे लाइट यागामी ने उसे एप्पल भी खिलाए थे और एक बहुत टाइम तक उसे एंटरटेन भी किया था। फिर ईयर शिफ्ट होता है 2019 में, जहाँ हमें तनाका को दिखाया जाता है और रियुक अंडरग्राउंड से बाहर आता है। रियुक तनाका को बुक टच करवाता है ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ सकें। बुक टच करने के बाद तनाका को सब याद आ जाता है। रियुक बोलता है ठीक 2 साल हो चुके हैं, अब मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मैं फ्लोर के नीचे से आया। तनाका कहता है हाँ, तुम फ्लोर के नीचे से आए, तुमने अपना प्रॉमिस रखा, वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है 2 साल पहले, जहां हम देख सकते हैं तनाका के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और तनाका के सारे टीचर बहुत खुश हैं और कह रहे हैं तनाका एक स्मार्टेस्ट किड ऑफ जापान भी बन सकता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि तनाका बहुत उदास होता है, उसके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए होते हैं और इंग्लिश उसका एक वीक सब्जेक्ट भी है। तभी उसके सर पर ऊपर से एक डेथ नोट गिरती है और तनाका कहता है ये क्या है, और रियुक उसे जवाब देते हुए कहता है अब से ये तुम्हारी है। फिर तभी तनाका पीछे देखता है और तनाका को रियुक खड़ा दिखता है, जिससे वो डर जाता है। रियुक फिर उसके टेस्ट में रिजल्ट देखता है जो बहुत कम होता है और फिर उससे पूछता है मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। रियुक तनाका से कहता है कि मैंने तुम्हारी टीचर से सुना है और तुमने फर्स्ट स्कोर किया है और तुम स्मार्टेस्ट किड भी हो सकते हो ऑल ओवर जापान के। फिर तनाका रियुक को एक्सप्लेन करता है इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में और बोलता है उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। तनाका ये भी बोलता है कि टेस्ट से हमारी आईक्यू और ब्रेन एज भी पता चलती है। रियुक उसे स्मार्ट बोलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर तनाका रियुक को बताता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेकार है, बस उसे रिडल और क्विज सॉल्व करना अच्छा लगता है। रियुक कहता है तुम ही सही हो और तनाका पूछता है किस चीज़ के लिए और कौन हो तुम। रियुक कहता है यहाँ बात नहीं करते, तुम्हारे घर चलते हैं। तभी तनाका रियुक को मना कर देता है। फिर रियुक तनाका को बताता है तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। फिर रियुक उसे डेथ नोट देता है तो तभी तनाका शॉक होता है, जोर से बोलता है क्या यही वो कीरा की? इतने में रियुक उसे बोलता है छुप हो जाओ, तुम्हें अब भी लोग सुन सकते हैं। तनाका हैरान होकर कहता है कीरा जिसने वॉर बंद करा दी, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम करा दिए। रियुक बोलता है तुम बहुत छोटे नहीं हो कीरा को जानने के लिए। तनाका कहता है सब लोग जानते हैं, ये हमारी बुक में भी हमें पढ़ाया जाता है। तो रियुक बोलता है क्या कीरा को भगवान की तरह मानते हैं लोग? तनाका रियुक को बताता है कि हमें बुक में कीरा कितना बुरा था ये पढ़ाया जाता है, पर बहुत सारे लोग कीरा को अब भी भगवान मानते हैं। पर तुम ये बताओ इस बुक को यूज़ कैसे करते हैं? रियुक बोलता है इसके फर्स्ट पेज पे सारे इंस्ट्रक्शन है। तनाका फिर ये सब पढ़ के बोलता है ये सब इंग्लिश में क्यों लिखा है? तो रियुक उसे बोलता है तुम ट्रांसलेट कर लो। तनाका को इन सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सब समझ आ जाता है। वो रियुक से पूछता है तो एल और पुलिस कीरा को अरेस्ट करना चाहते थे? रियुक बोलता है हाँ, वो सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तनाका फिर रियुक से पूछता है क्या तुम मुझे कीरा ने क्या क्या करा और बता सकते हो? तो रियुक पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक एप्पल ला सकते हो पहले? तो तनाका रियुक के लिए एक एप्पल लाता है और कहता है मैं तुम्हें रोज़ एप्पल दे सकता हूँ। तभी रियुक कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर मैं तुम्हें कोई पर्सनल बातें नहीं बताऊँगा। फिर थोड़ी देर रियुक और तनाका बात करते हैं। तभी तनाका बोलता है क्या सही में कीरा ने डेथ नोट के रूल्स को अपने एडवांटेज में यूज़ किया था? वो सही में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। रियुक बोलता है हाँ, उसने फर्स्ट स्कोर करा था ऑल ओवर जापान में। और ये भी बोलता है अगर तुम सेम चीज़ यूज़ करोगे जो लाइट यागामी ने यूज़ करी थी तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड 10 साल पहले का था और अब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है।
और कहते हैं अब तो हर जगह कैमरे भी लग चुके हैं। तनाका ये भी बताता है कि अब ऑनलाइन मैसेज या कॉल करने पर भी पुलिस हमें ट्रैक कर सकती है। अब ऐसे मैसेज हम टीवी शो या मूवी पर ही लिखकर शो कर सकते हैं। फिर वो तनाका कहता है मुझे लगता है अगर आज भी कीरा होता तो वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता आज की जनरेशन में भी अपना काम करने के लिए। तभी रियूक तनाका से पूछता है क्या तुम भी कर सकते हो। तो तनाका अपने मन में सोचता है क्या रियूक मुझे ये चाहता है कि मैं इस बुक को यूज़ करूँ, और थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी ख़तरनाक बुक को यूज़ नहीं करूँगा। फिर तनाका सोचता है अगर उसने ये बुक रियूक को वापस करी तो वो किसी और को दे देगा और उसकी मेमोरी भी चली जाएगी। वैसे कीरा ने भी एक बार रियूक को बुक वापस करी थी, एक किताब जो बस लोगों को मार सकती है। इसका सही जवाब क्या है? रियूक पूछता है तुमने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है। तनाका कहता है जब तक मैं अपने आंसर पे नहीं आ जाता मैं बस सोचता रहता हूँ। फिर तनाका रियूक से दो क्वेश्चन पूछता है क्या मेरे अलावा भी तुम्हें ह्यूमन में कोई और देख सकता है। रियूक बोलता है हाँ। रियूक तनाका को कहता है हाँ मैं अब भी उन लोगों को देखूंगा जिन्होंने पास्ट में इस बुक को टच किया था जब मैं पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आया था। तो तनाका पूछता पक्का तुम श्योर हो ना, तो रियूक उसे फुल एक्सप्लेन करते हुए कहता है हाँ। तो फिर तनाका उसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछता है। तनाका फिर रियूक से पूछता है एक ह्यूमन जिसके पास डेथ नोट है तो उससे उसका शिनिगामी कितनी दूर जा सकता है। तो रियूक कहता है ये कभी भी स्पेसिफिक इसके कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को तुम्हारी लोकेशन पता हो और ये काम करेगा। तो तनाका उससे पूछता है क्या तुम मेरे को और अच्छे से बता सकते हो, क्या फिर तुम कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मुझे बताओ। तनाका उससे कहता है कि तुम मुझे कोई भी एक नंबर बताओ। तो रियूक कहता है ठीक है चलो ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से 14 किलोमीटर्स, और कहता है इतनी दूरी काफ़ी रहेगी किसी को भी पहचानने के लिए, और कहता है ऐसा कोई पहले रूल तो था नहीं तो मैंने अब बना दिया। तो तनाका कहता है ठीक है मैंने सोच लिया है। तनाका फिर रियूक से कहता है ये मैं डेथ नोट तुम्हें वापस करता हूँ और ये तुम मुझे 2 साल बाद वापस ला के देना। 2 साल बाद मैं इस डेथ नोट को यूज़ करूँगा और तुम्हें एप्पल भी दूंगा खाने को। तो रियूक बोलता है 2 साल बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे मेरे को अब एप्पल खाने के लिए इतना वेट करना पड़ेगा। तो तनाका बोलता है अगर तुम पे वेट ना हुए तो तुम इस डेथ नोट को किसी और को दे सकते हो। तो रियूक बोलता है कोई बात नहीं मैं 2 साल तक वेट करता हूँ। फिर तनाका रियूक को उसकी डेथ नोट वापस कर देता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और तनाका को उसकी 2 साल पहले की सारी मेमोरी याद आ जाती है। तो रियूक कहता है मैं बिना एप्पल खाए 2 साल रहा हूँ। तो तनाका कहता है जो प्लान मैंने 2 साल पहले बनाया था अब मैं उस प्लान को यूज़ करूँगा। तो रियूक पूछता है कैसा प्लान। तो तनाका कहता है हाँ मेरा प्लान था कि मैं इस डेथ नोट को बेचूँगा। तो रियूक कहता है क्या बेचोगे। तनाका रियूक को समझाता है कि वो इसका डेथ नोट का ऑक्शन करेगा ऑनलाइन। तो रियूक बोलता है इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, पर तुमने ये भी कहा था कि अगर हम कुछ भी ऑनलाइन लिखेंगे तो वो ट्रैक हो जाता है। तनाका कहता है हाँ मैं नेट को पर यूज़ नहीं करूँगा, तभी मैंने पहले तुमसे पूछा था तुम डेथ नोट के ओनर से कितनी दूर जा सकते हो और तुमने कहा था 14 किलोमीटर, और कहता है सकुरा टीवी यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे एक पेन और पेपर लेना और उसे कैमरे के आगे शो करना। तब फिर सीन जाता है सकुरा टीवी पे जहाँ उनकी नॉर्मल न्यूज़ चल रही होती है और अचानक एक पेपर हवा में आ जाता है। पेपर पे लिखा होता है किसी को भी कीरा की लोगों को मारने वाली पावर चाहिए तो ट्विटर पे वो ऑक्शन में आ जाए और हैशटैग यूज़ करें पावर ऑफ कीरा और अमाउंट लिख दें इन अमेरिकन डॉलर्स। तो वहाँ पे सकुरा टीवी में जो भी होता है उनकी प्रोडक्शन टीम वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर जो भी लोग इस न्यूज़ को टीवी पे सुन रहे होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और इसी के बारे में फिर डिस्कस करते हैं पावर ऑफ कीरा को ऑक्शन में ऐसे देखकर, और जो सेट पे जो भी लोग होते हैं वो हवा में पेपर को उड़ते हुए देखते हुए हैरान हो जाते हैं कि ये पेपर बिना किसी सपोर्ट के ऐसे हवा में उड़ रहा है। तो सकुरा टीवी वाले वहाँ टीवी पे उस पेपर के आगे आके कहते हैं कि इसका सकुरा टीवी से कोई भी रिलेशन नहीं है। मात्सुदा भी इस न्यूज़ को देख रहा होता है, आप उसे जानते ही होंगे सीज़न 1 से,
और वो भी इस न्यूज़ को मतलब देखते हुए शॉक हो जाता है बिल्कुल। फिर मात्सुदा अपने बाकी टीम मेंबर के पास जाता है और कहता है रियू डेथ नोट को बेच रहा है। फिर वो बंदा कहता है कि जिसको वो डेथ नोट रियूक से मिली है वो बेच रहा है। मात्सुदा कहता है उम्मीद है ये बस एक मजाक हो, और वहीं पे रियूक उस पेपर को छोड़ के वहाँ से चले जाता है जब 30 सेकंड्स हो जाते हैं। अगले दिन तनाका जब अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है उसके स्कूल के बच्चे कल की सगुरा टीवी वाली न्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं एक ही दिन में 300 मिलियन येन तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें नियर का वो हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और इसमें पूरी सीरीज में नियर को एज अ एल कहा जाता है। तो एल के वहाँ पे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें कीरा के ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि वो जापान से ही है। वहीं पे एल एक शिनिगामी का फेशियल रिकॉग्निशन बना रहा होता है जिससे वो किसी भी शिनिगामी को शायद ट्रैक कर पाए ऐसा कुछ, और कहता है ये बनाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो आपस में ऐसे ये सब बातें करते रहते हैं। एल और उसकी टीम जब इस बारे में सकुरा टीवी के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और तो एल कहता है कि हाँ मुझे टीवी पर शिनिगामी दिखा था और कहता था कि इस बार, और उसने कहा मतलब कि कीरा इस बार बहुत ज़्यादा ही सावधान है और कहता है हमें बस शिनिगामी का पीछा करना है, हमें सारी सिक्योरिटी फुटेज चाहिए जिसमें कीरा और शिनिगामी एक साथ दिख रहे हों। तब फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कीरा और शिनिगामी जैसे जापान में हैं, तो एल के जो एल के साथ जो काम करते हैं वो कहते हैं कि जब हमें कीरा का पता चल जाएगा मैं टिकट करा लूँगा जापान के लिए। तो एल बोलता है अगर हमने कीरा को पकड़ भी लिया तो हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसमें अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है। एल बोलता है नोटबुक से किसी को मारना एक क्राइम है जैसे लाइट यागामी ने करा था, पर एक बुक को सेल करना ये कोई क्राइम नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें डेथ नोट को सीज़ ही करना है तो जो इस ऑक्शन को जीतेगा तुम उसके ओनर के पास जा सकते हो, उसे पकड़ सकते हो अगर उससे कुछ वो ऐसी चीज़ें करता है तो। तो फिर उसके एजेंट वगैरह बोलते हैं तो तुम कीरा को क्यों जानना चाहते हो। एल बोलता है क्योंकि कीरा बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो उससे एक बार ज़रूर मिलना चाहेगा। और अपने एजेंट से बोलता है अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मिस्टर आयाजावा से तुम इंटीरियर सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज मांग सकते हो सकुरा टीवी की उनसे। फिर वो लोग जापान की पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट कीरा केस में काम किया था और पूछते हैं शिनिगामी ने पेपर को टीवी पे दिखाने के बाद शिनिगामी कहाँ गया। तब वो बताते हैं शिनिगामी पेपर को छोड़ के सीधा अंडरग्राउंड में चले गया। तो फिर एल पूछता है क्या हुआ, तो उसके एजेंट होते हैं वो बोलते हैं शिनिगामी स्टूडियो से सीधा अंडरग्राउंड में चले गया। तो फिर एल कहता है फिर ऐसा शिनिगामी का डिवाइस बनाने की फिर क्या ही ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल एक यूज़लेस है जब शिनिगामी अगर अंडरग्राउंड ट्रैवल करेगा तो। फिर एल बोलता है ये एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी प्लानिंग है, जब शिनिगामी ख़रीदने वाले को डेथ नोट देगा तो कीरा की मेमोरी भी चली जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर एल के साथ ही कहते हैं कि मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते कीरा को पकड़ने के लिए। तो एल कहता है जब इस ऑक्शन के पैसे किसी को भी हैंड ओवर करना तो बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जब ये पैसे किसी के बैंक अकाउंट में जाएंगे तब शायद हम इसे पकड़ पाएंगे। तनाका रियूक से कहता है बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, और कहता है 10 बिलियन येन प्राइस हो गया है। और फिर रियूक पूछता है ऑक्शन ख़त्म होने के बाद क्या तुम मुझे एप्पल कितने दिनों तक खिलाओगे, तो तनाका कहता है उसके बाद भी मैं तुम्हें थोड़े दिन तक एप्पल खिलाऊंगा। फिर हमें वही स्टूडियो दिखाया जाता है जो लाइव चल रहा होता है और रियूक उसके सामने पेपर रख देता है कैमरे के सामने और उस पर लिखा होता है ऑक्शन एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और रियूक को दोबारा बोला जाता है कि उसे 30 सेकंड्स वहीं पेपर को लेके खड़ा रहना है। फिर वही मात्सुदा आ जाता है अचानक बीच में से और फिर रियूक उसे कहता है बहुत टाइम हो गया हम एक दूसरे से मिले। तभी मात्सुदा के साथ जो ऑफिसर है वो कहता है बेवकूफ़ तुम्हें शिनिगामी का पीछा करना था, उसके
उसके सामने ऐसे नहीं जाना था। तो फिर वहाँ पे जो टीवी के कास्टर्स होते हैं वो मासूदा को पहचान जाते हैं, जो वो फर्स्ट कीरा केस में बहुत साल पहले कि वही था जिसने बोला था कि उसे कीरा की पावर किस पे है वो पता है। तो मासूदा कहता है हाँ वो मैं ही हूँ और कीरा की पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर हमें दिखाया जाता है मात्सुदा अपने सीनियर को एक्सप्लेन कर रहा होता है डेथ नोट की पावर के बारे में, और उसका सीनियर बोलता है अगर तुम जो भी बोल रहे हो अगर वो सच भी है तो जापान की सरकार ऐसा कुछ कभी भी नहीं खरीदेगी। और कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें इंचार्ज बना रहा हूँ इन सब चीज़ों को मीडिया से दूर रखने के लिए। फिर हमें तनाका को दिखाया जाता है कि उसके क्लासरूम में बात चल रही होती है कैसे मात्सुदा के टीवी पे आने के बाद इसका प्राइस 200 बिलियन येन यानी 20 ट्रिलियन येन हो गया है। और कहते हैं पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बंदा है उस पर भी 130 बिलियन येन ही है। फिर हमें तनाका का क्लासरूम दिखाया जाता है, वहाँ बच्चे मतलब बात कर रहे होते हैं कि अब तो ये रेस सिर्फ दो लोगों के बीच रह गई है और ये अब एक नेशनल कॉम्पिटिशन बन गया है। फिर हमें साकुरा टीवी का स्टूडियो फिर से दिखाया जाता है, वहाँ कैमरे के सामने फिर एक और पेपर होता है जिस पे लिखा होता है कि अपनी अपनी मीडिया के सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो कि आप कितना पे करने वाले हो उसके लिए, ट्विटर को बॉदर मत करो। फिर हमें यूएसए के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि ये इंसिडेंट एक बार पहले भी हो चुका है, एक बुक जिससे हम दूसरे लोगों को मार सकते हैं ऐसी बुक हम दूसरे देशों के हाथ लगने नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं कि फिर यूएसए इस पावर को कीरा की पावर को ख़रीदेगा $500 बिलियन में। फिर हमें चाइना दिखाया जाता है न्यूज़ में, तो चाइना कह रहा होता है कि हम कीरा की पावर को $1 ट्रिलियन में ख़रीदेंगे और एक पीसफुल एंड के लिए ही इसे यूज़ करेंगे। तो फिर वहीं पे हमें यूएसए के प्रेसिडेंट भी दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि हम इस पावर को $2 ट्रिलियन में ख़रीदेंगे और इसे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे फॉर वर्ल्ड पीस। फिर अगले दिन फिर से साकुरा टीवी पे हमें एक पेपर दिखाई देता है कैमरे के आगे, तो उसमें लिखा होता है कि जो भी वर्ल्ड लीडर है सिर्फ प्राइस बताओ और कुछ बकवास मत करो। एल वहीं पे बोलता है ये सब बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो रहा है। वहीं पे जापान की मीडिया उनके प्राइम मिनिस्टर से पूछती है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते सब वर्ल्ड लीडर को एक साथ बुलाकर डिस्कस करें कि ऐसी पावर को कोई भी ना खरीदे। ये सब डिस्कशन हो रही होती है उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी मीडिया के बीच में। अगले दिन तनाका के क्लासरूम में बच्चे बात कर रहे होते हैं जैसे कीमत क्वाड्रिलियन मार्क को क्रॉस कर देती है जो कि एक जापान का जितना नेशनल डेब्ट है नेशनल कर्जा है उसके बराबर है। तो वो ऐसी डिस्कस कर रहे होते हैं क्या कीरा इसे पूरी चीज़ को पे करेगा या नहीं करेगा क्या करेगा। तनाका फिर रियूक से कहता है कल हम ऑक्शन बंद कर रहे हैं और जब मेरे को पैसा मिल जाएगा तो मैं इसकी ओनर डेथ नोट की ओनरशिप मैं तुम्हें दे दूंगा और जिसने ये बुक खरीदी होगी तुम उसके पास जाके दे देना। रियूक कहता है हाँ मेरे को और एप्पल चाहिए थे पर मैं इन सब लीडर कौन नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा इसको जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर एल और उसके मतलब एजेंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इतना कीरा इतना सारा अमाउंट कैसे लेगा, तो कहते हैं ये हैंड डिलीवर करना तो इम्पॉसिबल है, तो कोई ऑनलाइन पेमेंट होगी, अगर ऑनलाइन पेमेंट हुई तो हम उसे पता चल जाएगा। तो फिर एल यही सोच रहा होता है कि ये कीरा क्या करना चाह रहा है। एल इसके बारे में बहुत सोचता है सोचता है। फिर रात में जब तनाका सो रहा होता है हमें एक शिनिगामी को दिखाया जाता है जो रियूक को एक मैसेज देने आया होता है, तो उसका नाम होता है अर्मोनिया जेस्टिन। तो रियूक उससे कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो शिनिगामी रियूक को कहता है कि तुम्हें शिनिगामी किंग बुला रहे हैं और जब भी तुम ह्यूमन साइड से फ्री हो जाओ तो तुम एक बार जल्दी से जल्दी उनसे मिलने जाना। तो रियूक पूछता है क्यों पर ऐसा क्या हो गया, वो कहता है मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। फिर नेक्स्ट डे हमें एक और नोट दिखाया जाता है कैमरे पे जिस पे लिखा होता है अमेरिका को कीरा की पावर मिलेंगी और अमाउंट होता है 1 और 13 ज़ीरो डॉलर्स में, और लिखा होता है कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा मनी, वो 24 घंटे में इसकी इन्फॉर्मेशन बता देंगे।
तो हमें सारे वर्ल्ड लीडर्स और सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं टू द अमेरिका, अमेरिका को मिलेगी ये पावर। तभी फिर एल को भी दिखाया जाता है, एल कहता है कि अब तो तुम ही ट्राई करो बुक को सीज़ करने के लिए, मैं तो अमेरिका में ही रहता हूँ। और कहता है अब हमें कीरा को पकड़ने का एक फाइनल चांस तभी होगा जब वो ट्रांजिशन लेगा पैसों की। फिर एल एन उसकी टीम डिस्कस कर रही होती है कि कल ट्रांजिशन होएगी पैसों की, और कहते हैं ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और एल ये भी कहता है कि कीरा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर हमें साकुरा टीवी का स्टूडियो दिखाया जाता है जिसमें कैमरे के सामने फिर एक और नोट होता है जिसमें लिखा होता है पेमेंट को इस साल के 27 मई तक युत्सुबा बैंक में डिपॉजिट कर दिए जाने चाहिए, और इस बैंक में जिसका भी अकाउंट है ना उन सबको इक्वल पैसा मिलना चाहिए जिसकी भी एज 60 ईयर से कम है। फिर जापान में सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यही बात कर रहे होते हैं पैसा स्प्लिट हो रहा है सब लोगों के बीच, किसको कितना कितना मिलेगा, अगर 1 बिलियन अकाउंट भी हैं तब भी किसको कितना कितना मिलेगा, वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबको कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है सबको 1 बिलियन येन मिलेगा पर पर्सन। तभी फिर हमें मिनोरो को दिखाते हैं कि उसकी मॉम आती है और कहती हैं कि तुम्हारा भी तो युत्सुबा बैंक में अकाउंट है, तो तनाका कहता है हाँ। तनाका की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं अब हम बहुत ज़्यादा रिच हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का भी युत्सुबा बैंक में अकाउंट होता है वो कीरा को कहते हैं कि तुम भगवान हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो सब बैंक के आगे भीड़ लगा देते हैं, पर उस दिन बैंक क्लोज होता है। एल और उसकी टीम डिस्कस कर रही होती है कैसे कीरा ने प्लानिंग करी कि युत्सुबा बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं और उसने थोड़ी लिमिट भी कर दी 60 ईयर से कम करके, पर फिर भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं उस बैंक में, अब भी हम उस पता नहीं लगा सकते। और एल कहता है ये मुझे लगा ही था कीरा कोई यंग ही होगा, और कहता है अब उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि थोड़ी देर में कीरा की मेमोरी भी चली जाएगी। फिर युत्सुबा बैंक के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सबको पैसे उनके मिल गए होते हैं, बस उन्हें निकलवाने के लिए वो युत्सुबा बैंक के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ लगाई होती है और सब लोग कीरा को भगवान ही बोल रहे होते हैं। फिर तनाका अपने फ़ोन में चेक कर रहा होता है कि क्या सीन चल रहा है और देखता है कि उन्होंने पे कर दिया है, तो वो रियुक को उसकी डेथ नोट वापस कर देगा। पर फिर भी तनाका 1 मंथ तक तो मतलब एटलीस्ट जा ही नहीं पाएगा पैसे लेने क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तनाका कहता है यही सब था बस, थैंक यू। तनाका कहता है कोई भी रीज़न हो अब मेरे पास वापस मत आना इस डेंजरस बुक को लेके, अब मैं इसका कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर रियू कहता है तुमने इसमें बिना कुछ लिखे इसका यूज़ किया, और कहता है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर तनाका उसे उसकी डेथ नोट वापस कर देता है, उसकी ओनरशिप भी। और फिर रियूक अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बुक टच करवाता है। रियूक प्रेसिडेंट से कहता है यहाँ आने से पहले मैं शिनिगामी किंग से मिलने गया था शिनिगामी वर्ल्ड में, और कहता है उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि कैसे तुम डेथ नोट को सेल कर रहे हो एक ह्यूमन वर्ल्ड में, और कहता है इसमें बिल्कुल एक नया रूल ऐड हुआ है कि जो भी इसे खरीदेगा या बेचेगा जब उसे उसकी पेमेंट मिलेगी या जब उसे डेथ नोट मिलेगी उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं। रियुक कहता है तुमने अपने पैसे दिए अपने आप को मारने के लिए ही। फिर रियुक उनसे ये भी कहता है कि अगर तुम इस बुक को लेने से मना कर दोगे तो मैं इसे ऐसे ट्रीट करूँगा कि तुम्हें कभी बुक मिली ही नहीं, और तुम्हें पर फिर भी तुम्हारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। रियुक उन्हें कहता है ये बुक तुम्हारे पूरे नेशन को मिली है, तो इस नेशन से तुम्हारे अमेरिका से कोई भी इस बुक को टच करेगा तो वो मर जाएगा, और प्रेसिडेंट भी इस बुक को लेने से मना कर देते हैं। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं इस बुक को ले जाओ मुझे बुक नहीं चाहिए। फिर ये नया रूल रियुक तनाका को बताने के लिए जा ही रहा होता है तभी उसे याद आता है कि तनाका ने उसे दोबारा मिलने से मना किया है, तो वो उसे मिलने नहीं जाता। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तब भी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कह रहे होते हैं गाड़ी खरीदूँगा ये खरीदूँगा, वहाँ के लोग अब भी कीरा को गॉड कह रहे होते हैं। और तनाका जैसे 1 महीने बाद अपने पैसे लेने जा रहा होता है उसकी वहीं पे, जैसे वो अपने पैसे कलेक्ट करता है उसकी वहीं पे वहाँ डेथ हो जाती है। फिर
फिर आसपास के लोग तनाका को हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर हमें वहीं पे रियुक दिखाई देता है। उसने अपनी डेथ नोट पे मिनोरो तनाका का नाम लिख दिया होता है, जिसमें उसने पहले लाइट यागामी का नाम भी लिखा होता है। फिर रियुक कहता कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसे बहुत ज़्यादा समय के लिए यूज़ करे, और यहीं पर इसका लास्ट मांगा का चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये थे डेथ नोट सीज़न 2 के मांगा के चारों चैप्टर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।